चलिए दोस्तों, आज बताते हैं कि सखुआ का पौधा कैसे लगाया जा सकता है, वो भी घर पर। सखुआ जंगल में बहुत पाया जाता है, लेकिन सखुआ के विषय में ऐसी मान्यता है दोस्तों, सखुआ को बीज से लगाने पर सखुआ नहीं उगता है, सखुआ अपने आप धरती पर गिरता है, अपने आप ही उगता है, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन इस भ्रम को हम आज दूर करने वाले हैं दोस्तों। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि सखुआ को बीज से अपने घर पर पौधा नहीं उगा सकते हैं, इसलिए हमने दोस्तों सखुआ का पेड़ से बीज को तोड़ा और घर पर लाया। इस बीज को हमने घर पर प्लास्टिक पर रखा था। एक सप्ताह के बाद जब हम इस बीज को लगाने के लिए सोच रहे थे, तभी देखें कि उस पर नए नए जड़ निकल आया है, बीज अंकुरित हो चुके हैं। हमने उस बीज को एक प्लास्टिक पर लगाया, आप देख सकते हैं इस प्लास्टिक पर जो ये पौधा दिखाई दे रहे हैं, यह सखुआ का बीज से ही उगाया हुआ सखुआ का पौधा है। और जो छोटा छोटा पत्ता है, यह अनार का पौधा है। जो चौड़ा चौड़ा पत्ता है, वह सखुआ का है। सखुआ के बीज को उगाने के लिए हमने कुछ मिट्टी लिया और उसमें कुछ रेत फेंटा, यानी बालू फेंटे, और सूखा हुआ गोबर, तीनों को मिक्स करके एक प्लास्टिक में भर लिए और फिर इस बीज को हमने लगाया और नियमित रूप से इसमें पानी डालें। एक सप्ताह के बाद ही इसमें कोमल कोमल पौधा उग आए थे। फिर इसको हमने इसे अपने खेत, यह पौधा बड़ा हो चुका है, यह साल भर का पौधा है, यानी साल भर हो चुका है, अब यह पौधा जीवित रहेगा, नहीं मरेगा। इस तरह से आप भी बीज से पौधा उगा सकते हैं। इसका प्रयोग हमने किया है, आप भी अपने घर पर पौधा उगाएं। सखुआ भी एक इमारती लकड़ी है, बहुत मजबूत लकड़ी होता है।